प्रदेश में भाजपा द्वारा आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में आपातकाल के विरोध में मौन प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोगों के साथ हुए अत्याचार को याद किया जा रहा है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने शिमला में बाजुओं में काली पट्टियां बांधकर मौन जुलूस निकालकर आपातकाल की अवधि को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी सदस्यता बर्खास्ती होने पर बिना मंत्रिमंडल की सलाह लिए 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोप दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया। जो है वो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब कोर्ट का ऑर्डर आया था और उनका चुनाव बर्खास्त कर दिया था तो पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी और इमरजेंसी जो है वो रातों रात लगाई गई और यहाँ तक कि अपने मंत्री परिषद को उन्होंने बताने की चेष्टा नहीं करी कि मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर अमेंडमेंट्स करी, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगी, वो एक काला दिवस के रूप में देखा गया।